हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस 101। तो सो गाइस, आप सब कैसे हैं? और आपको पता है कि अब हमारी जो क्लासेस है वो डिफेंस 101 पर ही कंटिन्यू रहेगी, रीजनिंग की क्लासेस। तो गाइस, शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन, लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब डिफेंस 101। तो सब कैसे हैं? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आकांक्षा, आचल, राजा कुमार, शिवानी यादव, कैसे हो सब? मैं सोनल अग्रवाल, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, 4 साल का एक्सपीरियंस, 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया हुआ है। एंड लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डिफेंस एग्जाम्स के लिए, जहाँ पे मैं पहले पढ़ाती थी। एंड डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट को, डिफेंस एग्जाम IN10 को, IN10, ठीक है। मिथाली, राजा कुमार, अनुज मिश्रा, अनिशा, तो टाइम चेंज करते हुए कैसा लग रहा है? आप लोग तो सब पढ़ने वाले हो, टाइम कभी भी रखा जाए, पढ़ना चाहिए बस आपको, है ना भाई? अनु, लक्ष्य, अंकुश, श्रीवास्तव, थैंक यू आचल। अच्छा, ये बटरिंग है या वाकई में मेरी तारीफ है? अच्छा, ये बताओ, ये इंसान कौन है जिसने आते ही डिसलाइक किया है? इतनी नफरत मेरे से? बबीता होगी, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको क्या करना है? इंस्टॉल करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के इंस्टॉल करने के बाद 3 PM पर गाइस मेरी स्पेशल क्लास होती है, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 3 PM पर मेरी स्पेशल क्लास होती है जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसको इंस्टॉल कीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, और वहाँ पे जाके मेरे नाम से मेरे को फॉलो कीजिए, सोनल के नाम से, ठीक है। आचल फॉलोअर तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन मेरे को ना पसंद करने वाला ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड गाइस, सीडीएस आपको पता है आपका बेस्ट स्टार्ट हो चुका है एफकेट का, एंड सीडीएस का भी कुछ टाइम बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपके नेक्स्ट मंडे का बेस्ट 17 और 7 14 24 तारीख को आपका क्या है, मंडे है, तो 24 तारीख से आपका सीडीएस का भी बैच लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस, यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यूज दिस कोड SONAL एंड गेट 10% डिस्काउंट। नहीं तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, @ सोनल अग्रवाल के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां से भी जुड़कर मेरे से मैसेज पूछ सकते हैं, यदि आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज को लेके, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का जो भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। आकांक्षा, शुभम, कश्यप, आचल, 4 बूंदों वाला, उजाला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉरी। चलिए देखिए, एफकेट 2020 कोर्स आपको पता है स्टार्ट हो चुका है, वो 17 अगस्त से। यूज दिस कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट। यदि आपको कहीं किसी भी क्वेरी के लिए हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं तृप्ति। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये जो क्वेश्चन है वो है आपका पेयर एनालॉगी का। आज हम पेयर एनालॉगी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज मैंने अपने सब्सक्रिप्शन वाले बैच में भी पेयर एनालॉगी ही समझाया है, तो आज यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं। टीच मैम, और क्या कर रही हूँ बेटा, मैं पढ़ाई तो रही हूँ। शिप्रा, आकांक्षा, शुभम, तृप्ति, रिकॉर्डेड देख ले तृप्ति, और PDF डाउनलोड कर लेना, PDF मैंने अपडेट सेक्शन में डाल रखा है, ठीक है। बी ऑप्शन अंकुश श्रीवास्तव, अंशुल मौर्य कह रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन। ट्रायंगल इज रिलेटेड टू हेक्सागन, ट्रायंगल इज रिलेटेड टू हेक्सागन, तो ABC या D में से इसका राइट आंसर क्या बनेगा? अच्छा ये बताइए, हेप्टागन कितनी साइड का बना होता है? हेप्टागन कितनी साइड का बना हुआ है, कौन बताएगा? दिव्या कश्यप, ओ गॉड मदर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दिव्या। पूजा, आचल, 7 का। राजू कुमार, 0 का बना हुआ, अरे नलायक, हेप्टागन आपका 0 का बना होता है, 7 का बना होता है। 7 साइड से जो भी डायग्राम बनता है उसे कहा जाता है हेप्टागन। हेक्सागन जो होता है बेटा वो कितनी साइड का होता है, 6 का। ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल, ट्री आ रहा है इसमें, ट्राई आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 3 साइड का। तो इसका मतलब बेटा ये आपका क्या है, 2 टाइम्स है। फर्स्ट आपका क्या है, सेकंड जो है वो आपका फर्स्ट का क्या है, नम्रता, 2 टाइम्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन नहीं बनेगा। पेंटागन एंड हेप्टागन के बारे में बात करें तो बेटा आपका ये 2 टाइम्स नहीं है, तो ये भी गलत हो गया आपका। बी ऑप्शन के बारे में यदि मैं बात करूँ तो रेक्टेंगल कितनी साइड का होता है, 4। ऑक्टागन कितनी साइड का होता है, 8। तो इसका मतलब क्या है, जो सेकेंड है बेटा वो क्या है आपका, फर्स्ट से 2 टाइम्स है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन का।
होप सो आपको अब लाइट मिल गई होगी। एक्चुअली में हमारे घर की लाइट गई, अंधेरे में मैं भूत बन के अब आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? तो नो इशू, शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना गाइस? तो आज अब हम पढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन के लिए। तो मैं जरा ये हटा दूँ, मतलब शक्ल हटा दूँ क्या? ज़्यादा नेट लेगा, पता चला चला ही नहीं कुछ टाइम बाद। अच्छा, कौन कौन बच्चा छोड़ के भागा? राजा कुमार, ये तेरी नजर लगी होगी मेरी क्लास को, है ना? हंस ले तू बेटा, एक बार रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश द सेशन। एक बार रिफ्रेश कर लोगे तो ये भी आपका बढ़िया तरीके से चल जाएगा, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर। नम्रता, वैसे भी मैं टाइम चेंज कराने के बारे में सोच रही हूँ, कुछ टाइम मेरे को एक वीक का टाइम दो, 5:30 बजे सेशन रखो करूँगी मैं, 5:30 से 6:30, ठीक है नम्रता? नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे हो बेटा? कुछ नहीं, बहुत बढ़िया चल रही हूँ फिलहाल, तो लाइट चली गई एंड ऐसे बैठे हम आराम से तसल्ली से। शुभम कश्यप, राजा कुमार, अंशुल, श्रीकांत, शिप्रा, लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके स्क्रीन पर है। टीथ इज रिलेटेड टू च्यू एंड ए बी सी या डी ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट आंसर होगा? आकांक्षा, दिव्या, अनुज मिश्रा, अनिशा चौधरी, बताइए। टीथ किसके लिए काम आते हैं बेटा? टीथ जो आते हैं वो चबाने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? चबाने के। चुई मतलब क्या होता है? जैसे दांतों का काम क्या है? चबाना किसी चीज को, ऐसे करके चबाना। तो ये क्या होता है बेटा? चबाने के काम आते हैं। तो उसी हिसाब से बेटा जो माइंड होता है, जो दिमाग होता है पवन प्रसाद, वो किसके लिए काम आता है? सोचने के लिए काम आता है। किसके लिए? सोचने का कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, अंकुर, अभिषेक, मिथाली, शिप्रा, नम्रता, ठीक है? ओके नम्रता, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? वेरी गुड। चवाना, राजा, द्रविका, द्रविका श्रीवास्तव, प्रीतम, अनिशा, शिप्रा, आकांश, वेरी गुड। विजय कुमार, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैट इज रिलेटेड टू माउस, ए बी सी या डी में से इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बताइए। बेटा ये लाइट नहीं है, ये लैपटॉप की लाइट है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने आप को हाइड कर लेती हूँ दिव्या, फिर आपको मेरे से डर नहीं लगेगा, ठीक है? ये बेटा लैपटॉप की लाइट है, क्योंकि घर में अंधेरा हो चुका है, घर में अंधेरा हो चुका है, तो ये लैपटॉप की लाइट सिर्फ मेरे फेस पे पड़ रही है। लो मैं अपनी शक्ल हटा देती हूँ, आपको डर नहीं लगेगा। बस खुश। गुरप्रीत, मिथाली एंड शिप्रा, अंकुर, राजू कुमार, सी ऑप्शन। अच्छा ये बताइए, वॉर्म का मतलब क्या होता है? वॉर्म का मतलब, शुभम कश्यप बताइए, वॉर्म का मतलब क्या होता है? यदि बेटा मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, जैसे जो बिल्ली है बेटा वो किसको खाती है? चूहे को खाती है पकड़ के। जो बिल्ली है बेटा वो किसका शिकार करती है? चूहे का शिकार करती है। तो उसी हिसाब से जो बेटा आपका बर्ड है, बर्ड किसको खाती है? कीड़े मकोड़े को। किसको? कीड़े को। ये क्या होता है? वॉर्म होता है आपका कीड़ा, तो ये किसको खाती है बेटा? कीड़े को खाती है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओ शिट, इसमें शायद बेटा बैटरी भी नहीं है, 16% है लैपटॉप में। बंद हो गई। लेसी बेटा, जितनी देर क्लास हो जाएगी उतनी देर क्लास ले लेंगे, ठीक है? आधे घंटे शायद मेरे ख्याल से चल जाइए, है ना? और उसके बाद बेटा जितनी देर क्लास होगी आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है? हाँ, तो सी ऑप्शन विल बी द। चीज, चीज मतलब नहीं पता? चीज मतलब क्या होता है बेटा आपका? चीज मतलब नहीं पता अंशुल आपको? अरे चलो, कौन बताएगा चीज मतलब? चीज मतलब होता है बेटा, वैसे पनीर भी होता है चीज, आप उसमें भी खाते होंगे, एक्स्ट्रा चीज, विदाउट चीज, ऐसे बोलते हो या नहीं बोलते हो? बोलते होंगे ऐसे। तो चीज का मतलब आपका वो भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, अंकुश श्रीवास्तव विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है?
16% है, चलेगा नम्रता, मेरा फायदा होगा ये। अच्छा, नम्रता का फायदा हो जाएगा इसमें। चलो भाई कोई नहीं बेटा, जहाँ तक है 6:30 तक ही ले लेती हूँ मैं आज क्लास, एंड कल से मैं जो टाइमिंग है उसको 5:30 करवाती हूँ, ठीक है। कल से जो क्लास का टाइमिंग होगा उसे मैं चेंज कराने की कोशिश करती हूँ, अभी मैं प्रॉमिस नहीं करती, मैं बात करूँगी टीम से, देन आफ्टर दैट आपसे बात करनी है कॉल पे। अंशुल मौर्य मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दियो, ठीक है बेटा, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दियो फिर बात कर लो। चेंज ना कराए रोहन, जान ले लो मेरी, चेंज ना कराए बेटा, मेरे को भी तो दिक्कत हो रही है, मेरे को भी बेटा थोड़ी सी दिक्कत है 6 से 7 लेने में, ठीक है। देखिए बेटा, आधा घंटा ही तो शिफ्ट करूंगी, मेरे को दिक्कत है बेटा थोड़ी सी, अभी मेरा ना इस टाइम डॉक्टर के पास जाने का टाइम होता है एंड मैं जा नहीं पा रही हूँ, ठीक है। मेरी अपॉइंटमेंट 7 बजे की होती है और उसने मेरे को कहा है कि वीक में 2 या 3 बार आना ही आना है चेकअप कराने के लिए, तो बेटा मेरे को थोड़ा सा शिफ्ट कराना ही पड़ेगा 5:30 से 6:30 बजे, मेरी भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठीक है। तो कोई नहीं, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगी। यदि बेटा मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, सीरियल्स इज ग्रेट। अच्छा ये बताइए इसका मतलब क्या होता है, आपका सीरियल का मतलब क्या होता है। रोहन, राजा, ग्रेट मतलब, अच्छा आपको इस सबका मतलब नहीं पता, आपको इन सबका मतलब नहीं पता तो आप इन क्वेश्चन का आंसर भी नहीं बता पाओगे। तो कौन बच्चा मेरी क्लास का शातिर बच्चा है जो इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा और इसका मीनिंग बताएगा, उसको ये समझ लेना ये क्वेश्चन उसे अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका मतलब होता है बेटा सबसे पहले तो अनाज, ठीक है, क्या होता है बेटा, ये होता है आपका अनाज। ग्रिट मतलब क्या होता है बेटा, आपका कंकड़ी, ठीक है, क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है आपका कंकड़ी, ठीक है। अब मैंने इतना तो आपको बता दिया, अब आप थोड़ा सा खुद अब दिमाग लगा लीजिए कि इसमें क्या होगा आपका, हे राम। बेटा ये जो है आपका जो ग्रिट है बेटा वो आपका क्या है, सी ऑप्शन। अरे वाह नम्रता, दिव्या, अमेजिंग रोहन, काफी अच्छा लगा ये बात सुन के कि आप लोगों ने सही आंसर दिया। बेटा जो आपका ग्रिट है, ग्रिट इज यूज टू अल्टरनेट द फर्स्ट, ठीक है। सेव आपका ये क्या होता है बेटा, मेटानिल, येल्लो कलर का होता है ये, और ये जो बेटा होता है आपका अल्टरनेट, ये आपका पल्सेस, और किसमें यूज होता है, टर्मरिक में यूज होता है, किसमें यूज होता है, पल्सेस ऑफ और टर्मरिक में ये क्या होता है आपका मिलाया जाता है या यूज किया जाता है, यूज एज एन अल्टरनेट, मतलब अल्टरनेट इसके वे में यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है म्याऊ, क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा, नम्रता, दिव्या, गुरप्रीत, बैलेंस इज रिलेटेड टू वेट, बैलेंस इज रिलेटेड टू वेट, एंड ए बी सी या डी ऑप्शन में से क्या इसका राइट आंसर आएगा,
बताओ भाई कौन है, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन? बी इज राइट, शिवानी, दिव्या, सौरव, लक्ष्य, नम्रता, बताइए भाई इसका आंसर बी ऑप्शन क्यों बनेगा? राजा कुमार, शिप्रा। भाई देखो मैं तो हूँ नलायक, आज की क्लास में मैं हूँ नलायक और आप हो इंटेलिजेंट बच्चे, ठीक है, आज मेरी क्लास में। तो आप लोग ही मेरे को बताइए कि इसका आंसर बी ऑप्शन क्यों बनेगा, मैं तो नलायक हूँ। वेरी गुड नम्रता, बैलेंस इज यूज फॉर वेट एंड रडार इज यूज फॉर डिटेक्शन। जैसे मैं कहती हूँ ना मेरे रडार एरिया में मत आइए, रजत से कभी कभार मैं बोल देती हूँ, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अंकुर, शिप्रा, राजा कुमार, गुरप्रीत, बी ऑप्शन क्या बनेगा? नेहा ठाकरे, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा, शील्ड रिलेटेड टू सोल्जर, शील्ड रिलेटेड टू सोल्जर, क्या हो गया बेटा? शुभम कश्यप क्यों रो रहा है बेटा? वेरी गुड अनुज मिश्रा, अमेजिंग आंचल, अरे वाह आंचल राजा। अच्छा चलो, आज आप लोग मेरे को पढ़ा रहे हो, मैं हूं नलायक, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं आता। आज आप मेरे को क्वेश्चन के साथ साथ आप मेरे को एक्सप्लेन भी करोगे कि इसका आंसर ऐसा क्यों है, ठीक है। कृष्णा, जो रडार होता है ना वो कृष्णा साहू की शैतानियों को पकड़ने के काम आता है, सुन ली? चलो अब आंसर दे ले इसका। नम्रता, रुचि, श्रीकांत, मिताली, पवन प्रसाद, यदि बेटा मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? शील्ड ए रिलेटेड टू सोल्जर, शील्ड ए रिलेटेड टू सोल्जर, ठीक है। शील्ड किसके काम आते हैं? सोल्जर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आते, जो किसी से लड़ते तो उसके हाथ में क्या होता है? एक शील्ड होती है। तो उसी हिसाब से बेटा जो आपका राइडर होते हैं, जो आपकी बाइक चलाने वाले होते हैं, तो उनको कौन प्रोटेक्ट करता है? हेलमेट प्रोटेक्ट करता है। वेरी गुड आकांक्षा, पवन, अनिशा, मिथाली, आकांक्षा सिंह, आज मेरे को काफी अच्छा लग रहा है कि आज मेरे मेरे स्टूडेंट मेरे को पढ़ा रहे हैं, वेरी गुड। तो जो बाइक चलाने वाले राइडर होते हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या लेते हैं? हेलमेट को पहनते हैं। तो हेलमेट विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है, गुड गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बे, वेरी गुड आकांक्षा, मिथाली, नम्रता, प्रसाद, शुभम कश्यप। अरे शुभम नलायक नलायक होता है बेटा, नलायक किसको बोला जाता है? जो इंटेलिजेंट होता है और जो गलतियां कर देता है, तो क्या हो गया मैं नलायक हूं? तो कौन सी बड़ी बात आ गई? बोथ आर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। अच्छा राजा प्रोटेक्ट करता है, वेरी गुड राजा, कहाँ की प्रोटेक्शन करते हो तुम? अच्छा पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इन सबके मीनिंग क्या होते हैं, जब आप मेरे को एक्सप्लेन कर पाओगे कि हाँ भाई मैम इसका मीनिंग ये है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है? भूसा, भूसा किसमें से निकलता है? जो गेहूं का जो वेस्ट चीजें होती हैं, वेस्ट फ्रॉम व्हीट इज कॉल्ड भूसा या शैर। ड्रैग्स इज द वेस्ट फ्रॉम वाइन, एंड सेम आपकी जो वाइन में सो जो वेस्ट पार्ट निकलता है, वेस्ट आपका क्या निकलता है? कुछ सामान निकलता है, उसे क्या बोला जाता है? ड्रैग्स बोला जाता है। तो नम्रता, रौनव, प्रसाद, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ड्रैग्स विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है? अनु स्किप करोगे बेटा? आंचल, घर से रबिश निकलता है, रबिश बेटा, रबिश क्या होता है आंचल? अच्छा रबिश क्या होता है पहले मेरे को ये बता, रबिश मतलब क्या होता है? बकवास, रबिश मतलब होता है बकवास, ठीक है। हम कहते थे ना रबिश का जो असली मीनिंग होता है, जो राइट मीनिंग होता है वो होता है आपका बकवास। ए बकवास कर रहा है तू, ए रबिश बातें कर रहा है तू, ठीक है, क्लियर है? तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बनेगा आपका कौन सा? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिशा इसका मतलब बेटा आपका क्या होता है?
वर्स्ट एंड मोस्ट यूजलेस पार्ट ऑफ समथिंग, या आप ब्रैक्स को ये कह सकते हैं कि द लास्ट ड्रॉप इन अ कंटेनर ऑफ लिक्विड कंटेनिंग स्मॉल पीसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट. ठीक है. म्यू थेफ्ट इज रिलेटेड टू कन्फेस. थेफ्ट इज रिलेटेड टू कन्फेस. एंड ए बी सी या डी में से इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है बेटा? यदि चोरी की होती है तो उसने क्या कर लिया? कन्फेस कर लिया. क्या कर लिया बेटा? चोरी की तो उसने क्या कर लिया? कन्फेस कर लिया. हाँ, मैंने चोरी करी है. यदि आपने फॉल्ट किया, आपने गलती करी, तो उसको क्या कर लिया? उसने एडमिट कर लिया. क्या कर लिया बेटा? उसने एडमिट कर लिया. तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. अब कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन दे रहा है? नेहा ठाकरे बता बेटा आज क्या कंफ्यूजन है. संध्या, अरे अचिंतिया हो तुम बेटा, तू लेट है. 21 मिनट, 21 उठक बैठू मार. ठीक है, क्लियर है. बेटा बोन एंड फ्लैश का कौन पूछ रहा है? तृप्ति. बोन मतलब क्या होता है? हड्डी. फ्लैश मतलब होता है मांस. तो बेटा बोन का जो खराब पार्ट होगा वो मांस तो होगा नहीं ना. बोन के खराब पार्ट को आप मांस तो बोलोगे नहीं. ठीक है. और जो फ्लैश होता है वो होता है आपका मांस. मांस मांस आपका शरीर का मांस होता है, वो बोन में कन्वर्ट नहीं होता आपका. ठीक है. तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन. ठाकरे बेटा क्या समझ में नहीं आया? सागर, आदेश, तृप्ति, हाँ बता तो दिया, जान ले ले मेरी. मोहाना, जोहाना. मैम डी भी सेम है ना? डी कौन सा सेम है? हनी बनी बेटा लेट है ना, लाइक वैसी क्लास में बंद कर दूंगी. लाइट नहीं आ रही, 8% चार्जिंग बची है. ये भी बेचारा मरने वाला है, इसकी आत्मा भी परमात्मा से लीन होने वाली है. साधना, आकांक्षा, राजा कुमार, गणेश. बेटा कमिट मतलब क्या होता है? जैसे कोई सुसाइड कमिट कर लेता है, इसका मतलब उसने अपनी आत्महत्या कर ली. ठीक है. आप लोग ये कह रहे हो ना कि मैम सी ऑप्शन भी तो सही है, जैसे फॉल्ट एंड मर्डर. बेटा नहीं, फॉल्ट यदि आपने गलती करी तो आपने उसको एडमिट करा है, माना है कि मैंने गलती करी है. यदि आपने चोरी करी है तो आपने 10 लोगों के आगे उसको कन्फेस किया है कि हाँ मैंने चोरी करी है. लेकिन यदि आपने बेटा मर्डर किया, मिस्टेक इज एग्री. नो बेटा, मिस्टेक करी है तो आप उसे एग्री नहीं कर रहे हो, उसे एडमिट कर रहे हो. इज अ एडमिट. ठीक है, उसे मानना. ठीक है कि हाँ मैंने गलती करी है. एग्री करना क्या होता है? किसी की बात में एग्री करना, हाँ में हाँ मिलाना किसी की बात में. और अपनी गलती को मानना उसे कहते हैं हम एडमिट करना, कन्फेस करना. कमिट, मर्डर एंड कमिट दोनों आपके अलग है. मर्डर, आपने किसी का मर्डर कर दिया, ये कोई ना कि आपने कमिट कर लिया. कमिट मतलब क्या होता है? आपका भेजना, ये करना. लेकिन इसको आपने एडमिट नहीं करा. कमिट मर्डर आपका कमिट से वैसे रिलेट नहीं करेगा जैसे आपका थेफ्ट है वो कन्फेस से रिलेट करता है. कमिट मतलब होता है सोपना, बंध जाना, फंस जाना. ठीक है, या किसी चीज को करना करना. कमिट इज सुसाइड कर लिया, मर्डर कर लिया. करना कमिट होता है मर्डर. मर्डर कर लिया, कमिट मतलब होता है करना, एक्सेप्ट करना या कन्फेस करना से रिलेट नहीं करता है ये. ठीक है, अंग्रेजी आ जाएगी तुम्हें सिखाते सिखाते मुझे आधी. प्रसाद, राजा, कृष्णा, राजा, अनीशा, क्लियर है? बताओ भी क्लियर है या नहीं है. अरे कृष्णा प्रसाद से सीख ले, ये कुकर बहुत आवाज कर रहा है. तू क्या चाहता है मैं अपने घर में खाना भी ना खाऊं अब? है रे रोहन, वैसे ही गर्मी लग रही है, इतनी ज्यादा दिमाग सड़ रहा है मेरा इस इतनी गर्मी में. ऊपर से तुम वैसे ही बोल लो कि कुकर आवाज कर रहा है. आंटी आई है खाना बनाने के लिए. खाना है क्या? वही गया मेरा लैपटॉप, गया लैपटॉप गया मम्मी. OMG बेटा, शक्ल दिखा लो, टाटा बाय बाय कर दो बेटा, वो लैपटॉप जाने वाला है. ठीक है, एंड 5% बैटरी बची है. योर मैक विल स्लीप सून अनलेस प्लग्ड इनटू अ पावर आउटलेट. तो मुझे लगता है मुझे क्लास को यहीं पे बंद करना पड़ेगा. तो गाइस
बहुत अच्छा लगा आपको 25 मिनट पढ़ा के, और मुझे ऐसा लगता है 25 मिनट की पनिशमेंट मैं खुद को अपने आप को दूंगी कि मैंने सिर्फ आप लोगों को 25 मिनट पढ़ाया। लेकिन मैं इसको लाइट को जल्दी सही कराती हूँ, ऊपर पंखा चलता है, कुछ भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो कोई नहीं, आज की क्लास को यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। बेटा जनरेटर मेरी ना इस टाइम ना, बस तुम पूछवाओ मत क्या क्या हो रखा है मेरे घर साथ ना भी। एक्चुअली में इन्वर्टर ख़राब हो चुका है, उसको सही नहीं हो रहा, वो उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया है, आई डोंट नो। वो इन्वर्टर ख़राब है, मर चुका वो, और मैं इतने टाइम से उसे जुगाड़ लगाने में लगी हूँ कि सही हो जाए। नया खरीद रहे हैं, नया भी नहीं ढंग से लग रहा, क्योंकि वो लग ही नहीं रहा पलक में, वहाँ कनेक्शन ही नहीं आ रहा उससे हमारा, ठीक है। जनरेटर ले लीजिए, हाँ दादा दे जा मेरे घर पे जनरेटर दे जा। बेटा नेक्स्ट क्लास कल होगी आपकी 5:30 या 6 बजे, मैं आपको कंफर्म बता दूंगी, सुबह बता दूंगी, 3 बजे आपकी स्पेशल क्लास में बता दूंगी, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगी अपनी क्लास के बारे में। गाइस कल स्पेशल क्लास 3 बजे होगी। साथ के साथ यदि आपको कोई भी वो लेना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, लाइक CDS, FCAT एंड CAPF का बैच आ रहा है, तो यूज दिस कोड SONAL एंड गेट 10% ऑफ, ठीक है। घर बदल लो, कह तो बिल्कुल सही रही है। चलो गाइस मैं रखती हूँ, क्लास को ख़त्म करती हूँ, ठीक है। मर गए, हाँ इसका आंसर बताना है, हाँ बेटा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। स्पेशल प्री क्लास होती है बेटा आप लोगों की। बेटा देखो, फिश के कलेक्टिव ग्रुप को क्या बोला जाता है, सोल बोला जाता है, और स्कूल भी बोला जाता है। सेम आपके शार्क के कलेक्टिव ग्रुप को क्या बोला जाता है, स्कूल बोला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। उसके अकॉर्डिंग बेटा इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, रोहन, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलो बाय बाय।